हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में, कि अब फ्यूचर स्किल और साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, इसका इस समय यूज क्या है और क्यों इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वह एक एक करके आज की क्लास में लोग स्टेप बाई स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। देखो, आप लोग जैसा कि जानते हो कि इस समय हर एक यूजर किसी न किसी कंप्यूटर से क्या है, जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना थोड़ा। आज के दुनिया में हर एक यूजर किसी ना किसी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। और आप लोग जाहिर सी बात जानते हो इस समय कि मैक्सिमम काम हमारे इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं। और आज आप लोग देख रहे हो कि जो हमारा आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमारे भारत में भी ठीक है नया नया टेक्नोलॉजी आता है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे हमारे यहाँ संख्या बढ़ रहा है, ठीक है, रोजगार बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वैसे इम्प्लाईयों की भी जरूरत पड़ेगी। बोलो, वैसे इम्प्लाईयों की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन वह इम्प्लाई काम कैसे करेंगे? तो पहले जो काम होता तो सब नॉर्मल होता था, किसी रजिस्टर पे होता था, किसी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जाता था ना। आज के जमाने में या फ्यूचर स्किल में यही बताया जा रहा है कि नए नए न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ चुके हैं और इसका इस्तेमाल करके हम लोग इस समय घंटों का काम मिनटों में कर दे रहे हैं। घंटों का काम मिनटों में कर दे रहे हैं। वह किसका देन है? इंटरनेट का देन है। और इंटरनेट के साथ साथ क्या है, हमारा आईटी सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वह नया नया टेक्नोलॉजी लाता है, नया नया तकनीकी लाता है, जिसको यूजर क्या करता है, आसानी तरीके से ऑपरेट करता है, उसका उपयोग करता है और आसानी तरीके से उस पर वर्क कर ले जाता है। तो यह देखो, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी में यही बताया जाता है कि आप कंप्यूटर से कैसे कैसे काम कर सकते हो, या कंप्यूटर हमारा कौन कौन सा काम कर सकता है, यूजर उससे कैसे कनेक्ट हो सकता है, उसका क्या बेनिफिट है, वह सारा इस पे पढ़ाया गया है। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, साइबर क्राइम होता क्या है, साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं, साइबर क्राइम किसे कहते हैं, तो वह इस टॉपिक में यही सब बताए गए, मतलब नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताए गए हैं, ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस के बारे में बताए गए हैं, यूजर कैसे अब कंप्यूटर से कनेक्ट होगा वह बताए गए हैं, उसका बेनिफिट क्या होगा वह बताए गए हैं, मतलब इस ओवरऑल इस टॉपिक में यही सब दिया ही दिया गया, इस टॉपिक में यही दिया ही दिया गया। तो ध्यान से सुनना समझना। अब चलो देखते हैं, समझते हैं और एक एक करके बढ़ते हैं। अगर यूं कह लो, अगर आप यहाँ पे सर्च कर, सबसे पहला था IoT, IoT, क्लियर है? चलिए, IoT जो है इसे बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब समझना, देखो नाम से पता चल रहा है कि इंटरनेट भी अब ना इंसानों के जैसा सोचेगा और वैसा ही कार्य करेगा, एक आम इंसान जैसे सूचना देता है कोई कार्य कर, इसलिए नाम ही रख दिएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, मतलब जिस प्रकार एक नॉर्मल इंसान किसी भी बातों को सोचता है, समझता है कि क्या खत्म हो गया, क्या करना है, कब क्या करना है, कैसे करना है,
वैसे ऐसे से नए नए टेक्नोलॉजी आ चुके हैं जो क्या होगा, जो यूजर जैसे काम करता है वैसे हमारा कोई सॉफ्टवेयर करेगा, सेंसर करेगा, नए नए टेक्नोलॉजी करेंगे, उसे बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब क्या क्या कर सकता है यह समझना बहुत जरूरी, ठीक है? तो देखो आज बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो IoT का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है, कंट्री है जहां पर IoT का इस्तेमाल हो रहा है और ठीक है बेहतर तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब कैसे हो रहा है, चलो दो चार मैं एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको बहुत ही अच्छे समझ आएगा। देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर हमारी दुनिया में हर जगह छा गया तो समझो क्या क्या फायदा, समझिए। पहला, अगर मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते, समझना, किसी ऑफिस में काम करते और सपोज मान लीजिए आप घर पे हैं प्रेजेंट टाइम में, मिस्टर ए जो हैं वो घर पे हैं प्रेजेंट टाइम में और जल्दी जल्दी में इन्होंने, इनको लेट हो रहा था ऑफिस जाना था, तो जल्दी जल्दी में क्या किए, यह घर का लाइट बंद करना भूल गए। अब समझना थोड़ा, घर का लाइट बंद करना भूल गए और भूलने के बाद से दरवाजा बंद करके चले गए। तो देखो जो हमारा IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो इस बिजली का खपत को कम करेगा और जो हम करना चाहते हो वह कर देगा। अब ये कैसे, तो देखो बहुत सिंपल है, जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे ऑफिस की तरफ, तो अगर इनको याद नहीं आ रहा है तो कुछ टाइम के बाद अपने आप लाइट ऑफ हो जाएगा। अब ये कैसे, ऐसा दिन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ऐसा टेक्नोलॉजी लाया गया है कि आप लोग जैसे घर से बाहर निकलोगे वो क्या हुआ, लाइट बंद हो जाएगा, वो सेंसर के माध्यम से, मतलब आपको पहचान लेगा कि आप घर से बाहर निकल गए हो, ऑफिस की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पे घर में लाइट का कोई जरूरत नहीं है, जो दरवाजा खुला हो उसका जरूरत नहीं है, तो अपने आप वो बंद कर दे, समझे ना। इसे बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, किसके माध्यम से, सेंसर के माध्यम से, इसके माध्यम से सेंसर, मतलब अपने उस फोन के डिवाइस में एक सेंसर लगा होगा जिसे उस सेंसर से अटैच करके वो पता कर, ठीक है ना। चलो अगर मान लो ऑफिस से घर की तरफ निकल रहे हो और पता चला हमने फ्रिज में कुछ रखा था और वो खत्म हो गया है, तो तुरंत मैसेज चला जाएगा आपके पास, बाबू मिल्क खत्म हो गया लेते आइए, कोई फोन करके आपको नहीं बताया, फ्रिज आपको कॉल करेगा सर हम खाली हो चुके हैं, ठीक है आइएगा तो आप लोग मिल्क लेके आइएगा, बहुत सारे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा संभव है, बहुत सारी कंट्रियां इसका इस्तेमाल कर रही है, हमारे यहाँ भी हो रहा है, नहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में भी हो रहा है, कुछ दिन में हर जगह छा जाएगा, जो पैसा वाला रहेगा वो इस्तेमाल करेगा। चलो आप क्या किए, थके थके ऑफिस से गए घर, ठीक है, और अचानक आप जाके बिस्तर पे लेट गए और लेटते ही नींद लग गया, आप पूरा दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है, तो जैसे आप सो जाओगे ना तो अपने आप वो दरवाजा बंद हो जाएगा, ठीक है। और सुबह अगर जैसे उठते हो अगर खिड़की खोलना भूल गए तो समझ जाएगा सुबह हो गया, उठा है तो खिड़की से जो झांकते हैं देखते हैं तो वो खिड़की भी खुल जाए, ऐसा संभव है किससे, जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स AIoT से, क्लियर है। चलिए और क्या कर सकता है, चलो मान लो हम पड़रौना से गोरखपुर जा रहे हैं, कहां से, पड़रौना से गोरखपुर जा रहे हैं और पड़रौना से गोरखपुर जा रहे हैं, अगर रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग गया, अगर मैं यहां से आ गया यहां तक और ट्रैफिक लगा यहां पे, तो ऐसा सेंसर आपको तुरंत बता देगा बाबू वहां पे एक्सीडेंट हुआ है और भीड़ बहुत है, लगभग भीड़ 2 घंटे 3 घंटे के बाद कंट्रोल होगा, आप चाहोगे तो अपना रास्ता चेंज कर सकते हो, अगर दूसरा रास्ता आपको पता है तो तुम्हारी मर्जी, फंसना है तो जाइए और नहीं फंसना तो तुरंत वहीं से रिटर्न हो जाएगा, दूसरे रास्ते से गोरखपुर चला जाएगा, ऐसा भी संभव है, ठीक है IoT से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नए नए बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ चुके, ठीक है। चलो आपने घर पे गमले में फूल रखा है,
और डेली आप पानी देते हो, किसी दिन पानी देना भूल गए तो अपने आप मोटर चालू हो जाएगा, ठीक है, और ऐसा संभव है चलने लगेगा। हम क्या कर रहे हैं, यही है तो फ्यूचर स्कीम। इसके बारे में जो जानता होगा उसको जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ मतलब मैक्सिमम काम या किसे होगा, एक सेंसर के माध्यम से होगा, एक नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा, लेकिन हाँ तुम लोग चले जाओगे तब तो होगा, अभी नहीं, टाइम लगेगा इसके लिए, ठीक है। मतलब यह जो जनरेशन आने वाला है वो इसको अच्छे से देख सकता है, अच्छे से समझ सकता है। हम लोग, ठीक है, हम लोग के समय में जब हम लोग लास्ट में जब जाते रहेंगे तो थोड़ा बहुत एक दो चार डिवाइसेस देखेंगे, आगे मतलब फ्यूचर में। कोलंबो भेजेंगे, कोजोरी हम ही जाएंगे पहले, बोलो कोजोरी हम ही जाएंगे।